खास एवं भावपूर्ण संपन्न हुआ परियोजना। अधिकारी श्री ज्ञानवाणी का सेवानिवृत्ति कार्यक्रम। रामपुरा नीमच मध्य प्रदेश दिनांक 30 मई 2024 जिला नीमच अंतर्गत रामपुरा में स्थित एकीकृत महिला बाल विकास कार्यालय के परियोजना अधिकारी अशोक ज्ञानवाणी का इसी माह सेवा काल पूर्ण हो रहा है। इसी उपलक्ष्य में क्षेत्र के समस्त आंगनवाड़ी केंद्र की कार्यकर्ताओं सहित सहायिकाओं एवं कर्मचारियों द्वारा मिलकर हर्षोल्लास के साथ अग्रिम सेवानिवृत्त कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मोहल्ला पातुशा की बावड़ी स्थित आंगनवाड़ी केंद्र पर रखा गया, जहां सुबह 9:30 बजे समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, सहायिकाएं एवं कर्मचारीगण एकत्र हुए एवं परियोजना अधिकारी श्री ज्ञानवाणी को फूलमाला भेंट कर भावुकतापूर्ण विदाई देकर आगामी भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेरित की। वहीं श्री ज्ञानवाणी द्वारा आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम के अंत में स्वल्पाहार का आयोजन रखा गया। आज क्या कार्यक्रम रखा है? ये हमारे परियोजना अधिकारी सर है, इनका विदाई समारोह आज इस महीने ये रिटायर्ड हो जाएंगे। तो सर हमारे काफ़ी समय से हमारे साथ हैं और इनका बहुत सहयोग रहा है हर परिस्थिति में, और कुछ भी काम नहीं आता है तो हम समझा कुछ पूछने के लिए जाते तो सर ने इतने अच्छे से समझाया। और हमें तकलीफ तो है पर हमें इस बात की खुशी है कि ये अपने घर जा रहे हैं और इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। आप सभी की तरफ से क्या शुभकामनाएं रहेंगी आने वाले भविष्य के लिए? सर ने बहुत काम करा है, अब सर का जो ये वक्त है ये इनका अपने से मतलब आराम से निकालेंगे। इनका जो जिस आध्यात्मिक रहा है कि अगर काम की वजह से अगर ये कुछ नहीं दे पाए तो वो अपना पूरा दे सकेंगे, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये इनके परिवार में का। सर कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत खुशी हो रही है इन सब ने मिलके जो कार्यक्रम रखा है। ये समझो इनका मेरे प्रति जो है एक सहयोग है, मैंने इनको हर समय सहयोग किया, उसका नतीजा है कभी किसी को परेशान नहीं किया, और इनके सहयोग से ही आज मैं 8 साल 2 वर्ष का समय यहाँ पर बिता चुका हूँ, जो कि बहुत ही संतोषजनक बिता है। किसी से कोई गिला नहीं और किसी से कोई शिकवा भी नहीं है मुझे। इनके उज्जवल भविष्य के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये उज्जवल भविष्य के लिए यही कहूँगा कि आप यूनियन के माध्यम से सरकार से एक बार और अनुरोध करें कि वह आपको कहीं ना कहीं स्थायीकरण करें आपका, तो निश्चित रूप से आपका भविष्य भी कुछ उज्जवल बने और अपने बच्चों का भविष्य भी उज्जवल बना सके।